उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। चंपावत जिले में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। हाईस्कूल परीक्षा में जिले के विवेकानंद इंटर कॉलेज के छात्र हरीश ने 98% अंक प्राप्त करके पूरे प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वहीं विवेकानंद विद्या मंदिर लोहा घाट के अनीश यादव ने 97.20 अंक लाकर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसी विद्यालय के अंकित भट्ट और सुरेश ने 96.4% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अशरफ और अमित ने 95.80% अंक प्राप्त किए हैं। दिग्विजय नाथ व हिमांशु भट्ट ने 95.40% अंक प्राप्त किए हैं। मैं स्टार्टिंग टाइम में 5 से 6 घंटा रेगुलरली पढ़ता था रोज, लेकिन जैसे पेपर नजदीक आते गए मैंने टाइम बढ़ाना शुरू किया और अंत तक मैं कम से कम 9 घंटा पढ़ता था। और सहयोग की बात करें तो मुझे सबका सहयोग रहा है सम्मिलित रूप से, सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि वो ही मेरे लिए एक आदर्श है मेरे लिए, और श्री मिशन संस्था। इंटर में चंपावत जिले में पूरे प्रदेश में 92.69% परीक्षा फल के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इंटर में हीरा बल्लभ नया 92.20% अंक प्राप्त कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। छात्रों ने टॉप होने के साथ साथ अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। छात्रों की इस जीत से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। लोग छात्रों के घर आकर बधाइयां दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।